अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड फोर के असबाक में से लेसन नंबर फोर यूनिट वन का सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, ये टॉपिक है आज का। तो सब्ट्रैक्शन का तारुफ है, फिर एक्सरसाइज है। तो पहला क्वेश्चन पेज नंबर 17 पर है। इफ़ देयर आर 66,178 टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, आउट ऑफ विच 32,900 टाइप्स आर फिश, हाउ मेनी वर्टिब्रेट्स आर देयर अदर देन फिश, फिश के अलावा जो बाकी वर्टिब्रेट्स हैं वो कितने हैं। इस मकसद के लिए टू फाइंड दिस क्वांटिटी वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 32,900 फ्रॉम 66,178। टोटल टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 17 पर। टोटल टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, और टाइप्स ऑफ फिश, वो हैं जी 32,900। तो आंसर है हमारा, इनको माइनस करेंगे तो रिमेनिंग टाइप्स आ जाएंगे, रिमेनिंग टाइप्स माइनस करेंगे, 8 में से 0 माइनस करेंगे 8, 7 में से 0 7, 1 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, 9 ग्रेटर है, यहाँ से 1 कैरी लेंगे, यहाँ पर बाकी 5, 11 में से 9 माइनस किया 2, 5 में से 2 माइनस किया 3, 6 में से 3 माइनस किया 3, तो बाकी जो रिमेनिंग टाइप्स हैं 33,278। इसी तरह पेज नंबर 18 पर है एक क्वेश्चन, वो है जी अ टोटल ऑफ 55,661 पीपल विजिटेड द पाकिस्तान मोनूमेंट इन दिसंबर, इन जनवरी 12,255 लेस पीपल विजिटेड एज कंपेयर टू दिसंबर, हाउ मैनी पीपल विजिटेड इन मोनूमेंट इन जनवरी। तो कह रहे हैं कि दिसंबर में 55,000 पीपल ने विजिट किया और जनवरी में 12,255 लेस पीपल ने, यानी दिसंबर की निस्बत इतने पीपल 12,255 पीपल ने, कम लोगों ने विजिट किया। तो दिस जनवरी में जितने लोगों ने विजिट किया उनकी तादाद बताएं। तो टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स केम इन दिसंबर, नंबर ऑफ लेस विजिटर्स केम इन जनवरी एज कंपेयर टू द दिसंबर वो 12,000। तो 55,000 में से 12,255 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो एक्सरसाइज नंबर 2 करते हैं, इसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स की एक्सरसाइज नंबर 2, पेज नंबर, एक्सरसाइज 2 पेज 19। सवाल नंबर 1 है, इसके पार्ट्स हैं हमारे पास 8 पार्ट्स हैं, तो कोई से ठीक है, तो कुछ ए से एच तक 8 पार्ट्स हैं, हम कोई से 2 पार्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ई पार्ट है, सबसे पहले हम करते हैं ई, 53,521, 34,649 माइनस, उसके बाद है जी एच, एच पार्ट भी करते हैं, 67,453, 32,515 माइनस। ये दो सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के।
सबसे पहले है यूनिट्स प्लेस से स्टार्ट करेंगे, वन में से नाइन माइनस नहीं होगा, यहाँ से वन कैरी लेंगे, बाकी यहाँ वन, इलेवन में से नाइन माइनस किया टू, यहाँ बाकी है वन, यहाँ से वन कैरी लेंगे, ये इलेवन और ये फोर, इलेवन में से फोर माइनस किए सेवन, फोर में से सिक्स माइनस नहीं हो सकते, यहाँ से वन कैरी लिया इधर, फोर्टीन में से सिक्स माइनस किया एट, यहाँ से वन कैरी लिया तो बाकी क्या है रिमेनिंग टू, अब टू में से फोर माइनस नहीं हो सकते, यहाँ से वन कैरी लिया यहाँ बाकी फोर, ट्वेल्व में से फोर एट, यहाँ भी यहाँ इलेवन में से फोर माइनस किया सेवन, ट्वेल्व में से फोर माइनस किया एट, फोर में से थ्री माइनस किया वन, अब ये यहाँ से वन कैरी लेंगे और यहाँ बाकी फोर, थर्टीन में से फाइव एट, फोर में से वन थ्री, फोर में से फाइव माइनस नहीं होगा, वन कैरी लेंगे यहाँ बाकी सिक्स, फोर्टीन में से फाइव नाइन, सिक्स में से टू फोर, सिक्स में से थ्री थ्री। इसी तरह क्वेश्चन नंबर टू है, उसके दो या तीन पार्ट करते हैं। ये वर्टिकल फॉर्म में है, ये हॉरिजेंटल फॉर्म है, इसके सिक्स पार्ट्स हैं ए बी सी डी, इनको ए बी सी डी नंबर दिए, बी करते हैं पार्ट हम 97843 इज इक्वल टू। अच्छा, अब इसको करना है इसी तरह हॉरिजेंटल फॉर्म में, थ्री में से ये पहला डिजिट और इधर से पहला डिजिट, थ्री में से टू माइनस किया वन, अब फोर में से थ्री माइनस किया वन, अगला डिजिट है एट, एट में से सेवन माइनस किया वन, अगला डिजिट है सेवन, थाउजेंड प्लेस पर सेवन में से वन माइनस किया सिक्स, नाइन में से सिक्स माइनस किया थ्री, 36,111। अब हम देखते हैं लास्ट पार्ट है जिसमें कैरी लेना है, एफ पार्ट है, वो भी करते हैं। एफ पार्ट है जी 63,541 माइनस 58,463 इज इक्वल टू। तो सबसे पहला डिजिट है वन, वन्स प्लेस पे वन है, थ्री है, वन में से थ्री माइनस कर नहीं होगा तो यहाँ से वन कैरी लेंगे, यहाँ बाकी थ्री, इलेवन में से थ्री माइनस करेंगे एट, अब अगला डिजिट है थ्री, यहाँ पर है दूसरा डिजिट टेंथ प्लेस पे सिक्स, थ्री में से सिक्स माइनस नहीं होगा, यहाँ से वन कैरी लेंगे, यहाँ बाकी फोर, थर्टीन में से सिक्स माइनस करेंगे सेवन, अगला डिजिट है फोर और यहाँ भी फोर है, फोर में से फोर माइनस करेंगे ज़ीरो, उससे अगला डिजिट है थ्री, थाउजेंड प्लेस पर यहाँ एट, थ्री में से एट माइनस नहीं होगा, यहाँ वन कैरी लेंगे इधर से, यहाँ बाकी फाइव, तो थर्टीन में से एट माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा फाइव, लास्ट डिजिट है फाइव, फाइव में से फाइव माइनस करेंगे ज़ीरो, लास्ट आखिर में जब ज़ीरो है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जवाब आ रहा है 5078। तो क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट हो गया है, इसके चार पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं। इससे अगला सवाल करते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री, साद हैड 52,490 रुपीज़, क्वेश्चन थ्री, इसका पार्ट ए है और पार्ट बी भी करेंगे, पहले ए पार्ट को देखते हैं। साद के पास 52,490 रुपीज़ हैं, ही बॉट अ बाइसिकल फॉर 15,873 रुपीज़, नाउ हाउ मच मनी वॉज ही लेफ्ट विद हिम। अच्छा जी, अमाउंट साद हैड, टोटल अमाउंट साद हैड, और ही बॉट अ बाइसिकल, पेड फॉर बाइसिकल, या अमाउंट पेड फॉर बाइसिकल, पेड फॉर दोनों अमाउंट्स को लिखेंगे,
फिर उसको माइनस करेंगे, ये ए पार्ट है, तो 52,490 रुपीस उसके पास टोटल हैं। बाइसिकल खरीदा है रुपीस 15,873 माइनस करेंगे, अमाउंट लेफ्ट आ जाएगी, अमाउंट लेफ्ट विद सात, सात के पास जो बाकी अमाउंट है वो अभी हम देखते हैं कितनी है, रुपीस में आएगी, जीरो में से थ्री माइनस करेंगे नहीं हो सकता, वन कैरी लेंगे, टेन में से थ्री माइनस किया सेवन, यहाँ बाकी एट, एट में से सेवन माइनस किया वन, फोर में से एट माइनस वन कैरी लेंगे, यहाँ बाकी वन, फोर्टीन में से एट माइनस करेंगे सिक्स, यहाँ पे वन में से फाइव नहीं हो सकता, यहाँ से फाइव में से वन कैरी लेंगे इस प्लेस पर, और यहाँ बाकी फोर है, इलेवन में से फाइव माइनस किया सिक्स, फोर में से वन माइनस किया थ्री, 36,617। अब क्वेश्चन बी पार्ट है, इफ़ द प्राइस ऑफ द बाइसिकल इज 18,750 हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट। अगर बाइसिकल की अमाउंट इसकी बजाय 18,759 हो तो फिर कितनी अमाउंट उसके पास बाकी होगी, फिर हम लिखेंगे टोटल अमाउंट कितनी है, टोटल अमाउंट सात हेड इज इक्वल टू, टोटल अमाउंट सारी लिखनी है 52,490 रुपीस, और अमाउंट प्राइस ऑफ बाइसिकल या न्यू प्राइस ऑफ बाइसिकल, न्यू प्राइस ऑफ बाइसिकल है 18,759, तो अमाउंट लेफ्ट है ये भी माइनस होगा, ज़ीरो में से नाइन माइनस नहीं होगा, वन कैरी लेंगे, टेन में से नाइन माइनस किया वन, यहाँ पर बाकी है एट, एट में से फाइव माइनस किया थ्री, फोर में से सेवन माइनस नहीं हो सकता, वन कैरी लेंगे, यहाँ बाकी वन है, फोर्टीन में से सेवन सेवन, वन में से एट, यहाँ से फाइव से वन कैरी लेंगे, और यहाँ बाकी होगा फोर, इलेवन में से एट माइनस किया थ्री, फोर में से वन माइनस किया थ्री, तो आंसर आ गया रुपीज़ 33,731 अमाउंट लेफ्ट, अमाउंट लेफ्ट विद साथ बराबर है 33,731 रुपीस। तो इसके बाद सवाल नंबर चार है, पांच है और छह है, तीनों डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर फोर फाइव और सिक्स वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, इन ग्रेनरी देयर आर 66,375 बैग्स ऑफ वीट एंड राइस, इफ द नंबर ऑफ वीट बैग्स आर 44,000 देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइस बैग्स। एक गोदाम में 66,000 बैग्स हैं वीट और राइस के, बैग्स ऑफ वीट की तादाद दी हुई है, बैग्स ऑफ राइस की तादाद मालूम करनी है, माइनस करेंगे नंबर ऑफ बैग्स, टोटल बैग्स ऑफ वीट एंड राइस, टोटल बैग्स ऑफ वीट एंड राइस, तो नंबर ऑफ बैग्स ऑफ वीट, नंबर ऑफ बैग्स ऑफ वीट, तो हमने मालूम कर नंबर ऑफ बैग्स ऑफ राइस, नंबर सो नंबर ऑफ बैग्स ऑफ राइस इज इक्वल टू, सबसे पहले है टोटल बैग्स ऑफ 66,375 और बैग्स ऑफ वीट हैं 44,468
468 माइनस करेंगे जो आंसर होगा वो होंगे बैग्स ऑफ राइस। लें जी, 5 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से 7 से 1 कैरी लेंगे, यहाँ बाकी 6, तो 15 में से 8 माइनस करेंगे 7, 6 में से 6 माइनस करेंगे 0, 3 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ 6 से 1 कैरी लेंगे और यहाँ बाकी क्या होगा 5, 13 में से 4 माइनस करेंगे 9, 5 में से 4 1, 6 में से 4 2, 21,907 बैग्स ऑफ राइस हैं इस गोदाम में। जी अब है सवाल नंबर 5, पांचवा सवाल है वो भी डिस्क्रिप्टिव है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 कलेक्टेड रुपीज 35,278 फॉर अ वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, वाइल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 कलेक्टेड रुपीज 32,000, हाउ मच मोर अमाउंट कलेक्टेड बाय क्लास 3 देन क्लास 4। क्लास 3 ने ज़्यादा अमाउंट कलेक्ट की है और क्लास 4 ने उसकी निस्बत कम, तो इसमें से माइनस करेंगे और जो जवाब आएगा वो होगी जो क्लास 3 ने ज़्यादा अमाउंट कलेक्ट की है। सेम क्वेश्चन है 6 है जी, अ कैंडिडेट गॉट 426 वोट्स फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी while the other candidate got 86,733 votes, how much more votes did the second candidate get than the first candidate। तो हम सवाल नंबर 6 करते हैं, पांचवा सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। सेकंड कैंडिडेट ने ज्यादा वोट हासिल किए हैं, तो हम सबसे पहले द सेकंड कैंडिडेट गॉट वोट्स 86,733। The first candidate got 62,436. ये है जी first candidate. अब है question है कि जो second candidate है उसने कितने votes ज्यादा लिए हैं। नंबर ऑफ वोट्स नंबर ऑफ मोर वोट्स गॉट द सेकंड कैंडिडेट इज इक्वल टू, लेंगे माइनस करेंगे, 3 में से 6 माइनस नहीं होगा, यहाँ से 1 कैरी लेंगे, यहाँ टेंथ प्लेस पे 2 बार, 13 में से 6 माइनस करेंगे 7, 2 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से 1 कैरी लेंगे, ये 12 बन गया, यहाँ बाकी 6 है, 12 में से 3 माइनस करेंगे 9, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, तो 24,297 वोट्स सेकंड कैंडिडेट ने फर्स्ट की निस्बत ज़्यादा लिए हैं, तो ये आंसर है। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 पेज 19 पर कंप्लीट हो गई है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों की एक रिव्यू एक्सरसाइज है, वो हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। तो इन एक्सरसाइजेस को की प्रैक्टिस करें, बच्चों को नंबर्स को तब्दील करवा के बार बार इन क्वेश्चंस की एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये नंबर ऑपरेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें बहुत ज़्यादा महारत हासिल होनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि एडिशन का ताल्लुक फिर मल्टीप्लिकेशन के साथ है और सब्ट्रैक्शन का ताल्लुक डिवीजन के साथ है। तो इन फिर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के असबाक पढ़ेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अस्सलामु अलैकुम।